नवरात्रि में 9 दिन माता रानी को लगाएं ये 9 भोग, हर इच्छा होगी पूरी। एक, पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। इस दिन माता को गाय के घी से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। दो, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को पूजा जाता है। इन्हीं चीनी पंचामृत का प्रसाद प्रिय है। तीन, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। चार, चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। मालपुए का नैवेद्य अर्पित करने से वे प्रसन्न होती हैं। पाँच, पांचवे दिन माँ स्कंदमाता की पूजा होती है। माँ के इस रूप को केले का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। छह, छठे दिन माँ कात्यायनी को प्रसन्न करें। माँ के इस स्वरूप को शहद और मीठे पान का भोग लगाना चाहिए। सात, सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। इनकी पूजा में गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाना चाहिए। आठ, आठवें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। नौ, नौवें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इस दिन चना खीर पूरी हलवे का प्रसाद लगाएं और फिर नौ कन्या का पूजन कर उन्हें भोजन कराना चाहिए। थैंक्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।